केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार की सात सदस्यीय टीम गुरुवार को आराकोट पहुंची। सात सदस्यीय दल में संयुक्त सचिव आपदा प्रबंध गृह मंत्रालय भारत सरकार संजीव कुमार जिंदल निदेशक वित्त मंत्रालय फागले निमन निदेशक कृषि सहकारिता कृषक कल्याण विपुल कुमार श्रीवास्तव अधीक्षण अभियंता जल शक्ति मंत्रालय केंद्रीय जल आयोग सुधीर कुमार निदेशक ग्रामीण विकास मंत्रालय चंद्रशेखर निदेशक ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार सुनील जैन और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय मुख्य अभियंता वीरेंद्र कुमार खेड़ा शामिल है। रुद्रप्रयाग जिले के चिरबतिया गांव में ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक निजी संस्था द्वारा मानसून हिल ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न खिलाड़ी मैराथन भाग ले रहे हैं और इसका आयोजन 1 सितंबर से किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिले के एटीएम की माने तो इस गांव में दूसरी बार हिल ऑफ मैराथन का आयोजन किया गया है और अभी तक 800 लोगों ने मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया। बताया जा रहा है कि लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और पहाड़ी व्यंजन दिए जाएंगे। राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू अपने पैर पसार चुका है और आलम यह है कि हर रोज डेंगू का कोई ना कोई मरीज सामने आ रहा है और सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों के लिए व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही है, लेकिन जिला और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम समन्वय बनाकर स्थिति को संभालने में जुटा हुआ है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि 100 के 100 वार्डों में फॉगिंग मशीनों की व्यवस्था की गई है। जनता को जागरूक करने के साथ ही शहर भर की सड़कों पर गली मोहल्लों में फॉगिंग का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों पर लगाम नहीं लग रही है। इसी के मद्देनजर रुद्रपुर पुलिस लाइन पर एसएसपी ने बड़े वाहन स्वामियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ एक बैठक की और इसमें सभी वाहन मालिकों से सड़क हादसों पर चर्चा की गई और सुझाव भी दिए गए और इस दौरान वाहन मालिकों से अपील की गई कि वाहन चालकों द्वारा यातायात के नियमों का पालन करें और गाड़ी की तेज गति से लगाम लगाए, इससे सड़क हादसों पर रोक लगेगी। और साथ ही एसएसपी ने बैठक में कहा अगर किसी ने नियम का पालन नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के फलपट्टी क्षेत्र में आवासीय कॉलोनियों के निर्माण स्टोन क्रेशर लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की है। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि सरकार 1985 के फल मंडी संरक्षण अधिनियम और अधिसूचना का प्रचार प्रसार कर इसका पालन करना सुनिश्चित करे। गदरपुर में बच्चा चोरी की कथित घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है। अफवाह पर लगाम लगाने के लिए गदरपुर थाना क्षेत्र ने लोगों से अपील की है। थाना क्षेत्र जसविंदर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर बच्चे चोरी होने की अफवाह चल रही है, लेकिन गदरपुर थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। यदि संदिग्ध हो कोई तो डायल हैंडल और गदरपुर पुलिस को सूचित करें। नशा पीड़ितों के अनुमूलन और विधिक सहायता परामर्श देने के उद्देश्य से देहरादून की जिला अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के कई गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं के साथ स्कूलों के प्रबंधकों ने शिरकत की। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं को छात्र छात्राओं में नशे की बढ़ती आदत ने समाज को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। इस गंभीर समस्या को देखते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में बढ़ते नशे को रोकने के लिए एक संकल्प अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत सभी जिलों में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। हरिद्वार में मेला अधिकारी ने महाकुंभ मेले की दृष्टि से भीमगौड़ा क्षेत्र के सौंदर्यीकरण और नीलधारा बांध क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए बनाई जा रही कार्य योजना का भी निरीक्षण किया है। महाकुंभ मेला की जानकारी देते हुए मेलाधिकारी अभी तक महत्वपूर्ण कार्य शासन में भेजा गया है जो स्वीकृत हो गया है। स्वीकृत कार्यों में कावड़ी पटरी के चौड़ीकरण कार, पुराना कांगड़ी का मार्ग, बैरागी में बनने वाले चार पुल और इससे संबंधित सड़क जैन कोठी के पास 3 घाट प्रमुख है। इसके अलावा आस्थापद की कार्य योजना संशोधित करके शासन को भेज दी जाएगी और इस कार्य योजना को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति में पास कराया जाएगा। और इस अवसर पर एसएसपी मेला जन विजय खंडूरी, ओआरएसटी मेला महेश शर्मा, अधिशासी अभियंता सिंचाई पुरुषोत्तम एवं लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सितारगंज में नगर पालिका परिषद के सभागार में स्वच्छता अभियान को लेकर चल रही बैठक समाप्त होते ही सभागार के बाहर पालिका के रजिस्टर ठेकेदार इरशाद अहमद ने नगर पालिका के बड़े बाबू राजेश अरोड़ा पर रोड की पेमेंट पर 25% कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ठेकेदार और पालिका के बीच की नोकझोंक शुरू हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किस तरह दोनों को शांत कराया और जिसके बाद ठेकेदार ने बाबू के खिलाफ लिखित हुए नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई और वहीं पूरे मामले में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि ठेकेदार का 2007 का पुराना पेमेंट है और ठेकेदार द्वारा लगाए गए आरोप की उच्च स्तरीय जांच होगी और आरोप साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी।
उधमसिंह नगर में एसटीएफ और वाइल्ड क्राफ्ट कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और इस दौरान टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने वन्य जीव में संरक्षित दुर्लभ प्रजाति के पैगोलिन जीव के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया और 15 किलो से ज्यादा वजन का पैलोंगन बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों को वन्य जीव जंतु संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैंगलोर में आयोजित 8वें इन्वेस्टर नॉर्थ कार्यक्रम में भाग लेते हुए उत्तराखंड के निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सेवा क्षेत्र विशेष तौर पर पर्यटन, बायो टेक्नोलॉजी, नवीनीकरण ऊर्जा, फिल्म शूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश की काफी संभावना है। उत्तराखंड सरकार निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर है और गत 2 वर्षों से राज्य के निवेश के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड राज्य तेजी से निवेश के लिए मुख्य गंतव्य स्थल के रूप में विकसित हुआ है और यह देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। राज्य सरकार ने ईपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित विभिन्न व्यवसायिक सुधार किए।